युवा अनुशासन में रहकर शिक्षा के लिए मेहनत करें, निश्चित रूप से सफलता मिलेगी। हरियाणा के राज्यपाल सत्यदेव नारायण आर्य ने पिंजौर खंड के गांव विराटनगर में परम पूज्य गुरुदेव ब्रह्मऋषि विश्वात्मा बावरा जी महाराज के जयंती महोत्सव कार्यक्रम में उपस्थित लोगों को संबोधित करते हुए कहा कि विश्व के इतिहास का अध्ययन करने से पता चलता है कि कोई भी देश प्रगतिशील, समृद्धशाली, सभ्य तथा सुसंस्कृत तभी हो सकता है जब वहाँ के नागरिक शारीरिक व मानसिक रूप से स्वस्थ होंगे। राज्यपाल ने कहा कि मैं आश्रम में पहुंचकर गर्व महसूस कर रहा हूं और मैं सर्वप्रथम ब्रह्मऋषि विश्वात्मा बावरा जी महाराज के चरणों पर श्रद्धा का सुमन अर्पित करता हूं। इस शुभ जयंती महोत्सव कार्यक्रम के आयोजन के लिए ब्रह्मऋषि आश्रम विराटनगर पिंजौर के प्रबंधकों, पदाधिकारियों एवं श्रद्धालुओं को बधाई देता हूँ। राज्यपाल ने कहा कि हमारे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भी वैदिक संस्कृति के अनुरूप योग को बढ़ावा देने के लिए कई योजनाएं लागू की। यहां तक कि संयुक्त राष्ट्र संघ में 21 जून को अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस घोषित करवाया। इसके साथ साथ उन्होंने जन जन के स्वास्थ्य की चिंता करते हुए अन्य प्रकार की योजनाएँ शुरू की। प्रधानमंत्री आयुष्मान भारत योजना, स्वच्छ भारत स्वस्थ भारत, बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ, सबका साथ सबका विकास तथा उज्ज्वला योजना, शौचालय इत्यादि चलाकर लोगों को लाभान्वित किया। कार्यक्रम को संबोधित करते हुए अंतर्राष्ट्रीय ब्रह्मऋषि मिशन की अध्यक्षा कृष्ण कांता ने ब्रह्मऋषि विश्व आत्मा बावरा जी महाराज के जीवन पर प्रकाश डाला और अमृत वर्षा की। आपका जीवन आपको जीना समझ लीजिए कि आपको जीना आ गया, अपने लिए सिर्फ अपने लिए न जी करके। विभाग है डिवाइन रेडियंस पब्लिकेशंस, परम पूज्य गुरुदेव के द्वारा लगभग हमने 100 बुक्स जो हैं अभी तक प्रकाशित करवा दी और वो उसका स्टॉक है अंदर सारा। और इधर ये लाइब्रेरी बच्चों के लिए रीडिंग रूम बनाया है और मेन मोटिव ये है कि आजकल बच्चे जो हैं दे आर एडिक्टेड टू मोबाइल्स और बच्चों की रीडिंग हैबिट दैट इज़ फिनिश्ड और इन मोबाइल्स ने दे हैव फिनिश्ड अवर रिलेशंस और बच्चे इमोशनली जो हैं बिल्कुल ब्लैंक होते जा रहे हैं। तो हमारा प्रयास ये है कि बच्चों को हम अपने साहित्य के साथ, अपनी संस्कृति के साथ जोड़ने के लिए छोटी छोटी पुस्तकें पढ़ें, कोई कहानियों के माध्यम से भी कई बुक्स हैं हमारे पास, एक बार थोड़ा सा उनको इसकी एडिक्शन पड़े। जब तक वो अपने इतिहास को नहीं जानेंगे, अपनी संस्कृति को नहीं जानेंगे, तब तक देश का भविष्य तो सुरक्षित नहीं है। तो इसी उद्देश्य से ये अभी तो एक हमारे पास जो ये लाइब्रेरी है इसमें हमारे पास मेनली तो गुरुदेव का ही बुक्स हैं, कुछ थोड़ी बहुत बुक्स हमने और रखी हैं, पर इन फ्यूचर मेरी ये भावना है कि इसको पब्लिक लाइब्रेरी बनाया जाए, इसमें हम जितने आज तक की टेक्नोलॉजी की, साइंस की, जितने इंटेलेक्चुअल लेवल्स पर हमारा साहित्य का सृजन है उसको रखा जाए, बच्चे आए पढ़ें। तो इस पर्पस से ये प्रकाशन विभाग यहाँ बना है। टाइमिंग जी सुबह 9 बजे से लेकर तो 1 बजे तक होता है, हाँ जी, फिर 1 से 2 लंच है, उसके बाद फिर खुल जाता है तो शाम के 5 बजे तक। कोई भी आ सकता है बेचने का भी प्रोग्राम है, क्योंकि ये बना अभी है तो हम इशू करने का भी ये सिस्टम यहाँ स्टार्ट करेंगे। कुछ न्यूज़पेपर होगी यहाँ पे, सब कुछ रखेंगे, न्यूज़पेपर्स रीडिंग के लिए न्यूज़पेपर्स भी रखेंगे जरूर, वो तो जरूरी है। परम ऋषि विश्वात्मा बावरा जी महाराज के जयंती समारोह कार्यक्रम में पहुंचकर मैं अपने को गौरवान्वित महसूस कर रहा हूँ। सर्वप्रथम महर्षि विश्वात्मा बावरा जी महाराज के चरणों पर श्रद्धा का सुमन अर्पित करता हूँ। इसी शुभ जयंती महोत्सव कार्यक्रम के लिए ब्रह्मऋषि आश्रम विराटनगर पिंजौर के प्रबंधकों, पदाधिकारियों एवं श्रद्धालुओं को बधाई देता हूँ। उपस्थित भाई बहनों एवं
मैं जनता को हार्दिक अभिनंदन करता हूँ। देश के संबंध में, महर्षि जी के संबंध में, महाराज के संबंध में सारी बातों को आपके बीच में रखा, इससे आप सभी अवगत हो गए। अब हमारे पास बोलने के लिए कोई चीज शेष नहीं है, अगर मैं बोलूँ तो क्या बोलूँ, लेकिन औपचारिकता है कि मुझे भी कुछ ना कुछ बोलना ही पड़ेगा। बाबा मेरे श्री विश्वात्मा बाबरा जी महाराज ने तप योग आत्मा को ही जीवन का लक्ष्य मानकर मानवता की सेवा करने का परम लिया। महाराज जी ने वैदिक सनातन धर्म, भारतीय संस्कृति एवं ब्रह्म विद्या का देश विदेश के 150 विश्वविद्यालयों में प्रचार प्रसार किया। चुना क्योंकि मैं कल ही बता रही थी इस घाट पर न बिजली थी न पानी था, मगर यहाँ के ग्रामवासी कुछ लोग कहते हैं यहाँ कुछ नहीं था, मैं कहती हूँ यहाँ के ग्रामवासी भी ऋषियों की संतानें हैं। जंगल में रहने वाले ऋषि ऐसे संतानों को छोड़ गए जिनको दुनिया में कोई मतलब नहीं था। जब हम यहाँ आए उन दिनों भजनदास चौधरी था हरियाणा का चीफ मिनिस्टर, हमें वो पीछे से जानते थे। मैंने ऐसे इशारा किया, फोन किया, लक्ष्मण सिंह थे कालका के MLA, उन्होंने वहां बैठे थे। जब मैं गई तो कहते हैं विराटनगर कहाँ है, विराटनगर इस भूमि को कोई नहीं जानता था। जब वो चित्रकूट यहाँ आए तो उन्होंने कहा अच्छा ये रास्ते में है तो देखेंगे। कहने का अभिप्राय पुल बनाने से इस भूमि का कितना विकास हो गया, आज गांव वाले बेचारे रो करके याद करते हैं। एक सिद्ध पुरुष के चरण आए तो इस भूमि को इतना रंग लगा। उनका जन्मदिन हमारे लोगों के जीवन में इस समय आप देख रहे हो ब्रह्म ऋषि मिशन के अंतर्राष्ट्रीय रूप में शांति सावा शांति।